हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मेरी पढ़ाई चैनल एंड टुडेज टॉपिक इज़ फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर एंड द टॉपिक इज टेंस। टेंस मीन्स टाइम। डेफिनेशन में देखेंगे हम, वी मे डिफाइन टेंस एज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज द टाइम एट विच द इवेंट अकर्स एंड द डिग्री ऑफ कंप्लीशन और इनकम्प्लीटनेस ऑफ द इवेंट। अब इसको हम समझेंगे कि टेंस होता क्या है, व्हाट इज टेंस। टेंस वर्ब की एक ऐसी फॉर्म होती है जो हमको बताती है, जो हमको शो करती है कि वो इवेंट या वो वर्क जो है वो किस टाइम पर हुआ और साथ ही साथ उस वर्ब की डिग्री, डिग्री मीन्स वो किस स्टेट में है, अभी कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी हमको टेंस से पता चलता है। इन अदर वर्ड्स द टेंस ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट एंड ऑल्सो द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। वर्डिंग्स अलग हैं बट मीनिंग दोनों का सेम है। एग्जाम्पल देखेंगे, शी रीड्स अ बुक। अब यहाँ पर जो रीड्स का जो एक्शन है, वर्ब क्या है यहाँ पर, रीड्स, और ये जो वर्क है ये एक बुक पर हो रहा है, तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि कोई इवेंट या कोई वर्क हुआ है। कब हुआ है हम उसकी वर्ब की फॉर्म से पता लगा सकते हैं, ये प्रेजेंट टेंस में। नाउ देयर आर थ्री मेन टेंसेस इन इंग्लिश, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तीन टेंसेस होते हैं मेनली, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फर्स्टली वी विल सी प्रेजेंट टेंस। द वर्ब दैट रिफर्स टू प्रेजेंट टाइम इज सेड टू बी इन प्रेजेंट टेंस। जब कोई वर्ब प्रेजेंट टाइम को रिफर करती है या प्रेजेंट टाइम को शो करती है तो उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स अ बुक, वह एक बुक लिखता है, तो ये काम जो है ये प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए हम लोग इसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। पास्ट टेंस क्या होता है, द वर्ब दैट रिफर्स टू पास्ट टाइम इज सेड टू बी इन पास्ट टेंस। जब कोई वर्ब पास्ट टाइम को रिफर करती है या शो करती है किसी वर्क को जो कि पास्ट टाइम में हुआ है, उसको हम लोग पास्ट टेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही रोट अ बुक, उसने एक बुक लिखी थी, लिखने का काम पहले हो चुका है इसलिए उसको हम लोग पास्ट टेंस में बोल रहे हैं। नाउ थर्ड इज फ्यूचर टेंस, द वर्ब दैट रिफर्स टू फ्यूचर टाइम इज सेड टू बी इन फ्यूचर टेंस। जब वर्ब फ्यूचर टाइम को शो करती है, फ्यूचर टाइम को रिफर करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन फ्यूचर टेंस। फॉर एग्जाम्पल, ही विल राइट अ बुक, वह एक बुक लिखेगा, तो लिखने का काम क्या है, अभी हुआ नहीं है लेकिन आगे होगा, सो इट इज इन फ्यूचर टेंस। नाउ ईच ऑफ द थ्री टेंसेज हैव इट्स फोर फॉर्म्स विच आर एज फॉलोज। हर टेंस की तीन फॉर्म्स होती हैं और वो कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं वो देखेंगे हम अभी। फर्स्ट इज सिंपल टेंस, या इसी को बोलते हैं इनडेफिनिट टेंस। सेकंड, कंटिन्यूअस टेंस, या इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है और इम्परफेक्ट टेंस भी बोला जाता है। थर्ड इज परफेक्ट टेंस एंड द फोर्थ इज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये टेंस की चार फॉर्म्स होती हैं, हर टेंस की चार चार फॉर्म्स होती हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग लेंगे प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है द सेंटेंसेज विच आर कंप्लीटेड बाय द वर्ड्स ता है, ती है, ते हैं, एक्सेट्रा। जब हिंदी में बोलते समय जब कोई वाक्य का कंप्लीशन ता है, ती है या ते से फिनिश होता है तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन देखेंगे पहले हम लोग। इसमें हमेशा ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। और साथ ही साथ जब सेंटेंस में नाउन सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज किया जाता है, और अगर नाउन प्लूरल है तो फिर वहां पर एस या ईएस का यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल दैट इज दिए हुए हैं, आई, वी या दे के साथ एस या ईएस का यूज वर्ब में नहीं होता है। अब इसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है, प्रेजेंटेशन देखेंगे।
सबसे पहले सेंटेंस बनाते टाइम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, देन आफ्टर एस या ईएस का यूज़ करेंगे अगर नाउन या सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में है, और अगर सिंगुलर में नहीं है तो यहाँ पर एस या ईएस का यूज़ नहीं होगा। एंड आफ्टर दैट इफ ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट देयर तब फिर हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो यूज करेंगे, नहीं प्रेजेंट है तो देयर इज नो नीड टू यूज द ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल देखेंगे, ही प्लेज क्रिकेट। अब ही जो है सिंगुलर है तो वहां पर प्ले जो वर्ब है हमारी, वर्ब के साथ हमने एस का यूज किया है, ही प्लेज क्रिकेट। देन आफ्टर सेकेंड एग्जाम्पल, दे प्ले क्रिकेट, दे प्लूरल है, यहां हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पर हम लोगों ने वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज नहीं किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा। नेगेटिव सेंटेंस जैसा कि आप जानते हैं नकारात्मक शब्द जहां पर नॉट का यूज होता है, तो उसमें थोड़ा सा फॉर्मेशन में थोड़ा सा चेंज आता है। क्या चेंज आता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब डज का यूज होता है सिंगुलर नाउन के साथ और हेल्पिंग वर्ब डू का यूज होता है प्लूरल नाउन के साथ। ये सेम चीज वैसे ही है जैसे कि आपने देखा था वर्ब जब हम यूज कर रहे हैं सिंगुलर नाउन में तो वहां पर एस या ईएस का यूज हो रहा था सिंगुलर नाउन की वर्ब के साथ, और प्लूरल नाउन की वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज नहीं हो रहा था। तो बेसिकली हम लोग क्या होता है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो डू है बट सिंगुलर के साथ हम लोग एस या ईएस का यूज कर देते हैं तो वो डज हो जाती है, और अगर प्लूरल है तो वहां पर ओनली डू का यूज होता है। फिर आफ्टर दैट डू या डज के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज किया जाता है। ओके, और जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि डू के साथ एस या ईएस का यूज हुआ सिंगुलर में, तो जो हम लोगों ने मेन वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज किया हुआ है वो वहां से हट जाएगा, मेन वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज नहीं होगा। अब इसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। प्रेजेंटेशन में फर्स्टली सब्जेक्ट, देन आफ्टर डू या डज का यूज होगा अकॉर्डिंग टू द नाउन, देन आफ्टर नॉट का यूज करेंगे, आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, एंड लास्टली इफ ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट देयर तो फिर हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब यहां पर ही सिंगुलर है सो हमने किसका यूज किया, डू में ईएस लगा दिया, डज का यूज हो गया, डज नॉट और वर्ब क्या है राइट, डज नॉट राइट अ लेटर। सेकेंड एग्जाम्पल, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहां दे प्लूरल है तो यहां डू के साथ हमने ईएस का यूज नहीं किया, और प्ले वर्ब हमारी और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस जो कि होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग थोड़ा सही समझ सकते हैं कि कोई क्वेश्चनिंग सेंटेंस होते हैं उनको हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो तरह से फॉर्मेशन होता है, आप ध्यान देंगे इसको, देर आर टू वेज टू फॉर्म एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंसेज आर इन फॉर्म ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। जब कोई सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछने के रूप में होता है तो वहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। और आपको बताया कि जब हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं तो कुछ क्वेश्चन वर्ड्स का यूज किया जाता है। हम लोग देखेंगे कौन कौन से टाइप के दो हैं जो कि हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप है, व्हाइल आस्किंग क्वेश्चन यू मे गेट द आंसर इन येस और नो, दैट देन इट मीन्स इन द क्वेश्चनिंग सेंटेंस द हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड एज क्वेश्चन वर्ड। अब ये येस और नो का कौन सा कॉन्सेप्ट है ये देखेंगे हम। जब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन पूछने के दो तरीके हो सकते हैं। क्वेश्चन पूछने के बाद जब हम उनसे आंसर मिलने वाला है जो हमको, उसका हम लोग अगर इमेजिन करें तो कुछ आंसर हमको होते हैं जो सिर्फ यस या नो में मिलने वाले हैं, जैसे कि क्या आपने पानी पिया तो वो आंसर देगा हाँ मैंने पानी पिया। पूछा आपने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया, क्या आपने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया, उसका आंसर आएगा क्या कि हाँ मैंने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया। तो जब इस टाइप के आंसर्स आने का पॉसिबिलिटीज हो तो वहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड हमारा होगा वो हमारी हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब ही हमारा क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा। अभी हम इसको एग्जांपल से समझेंगे तब समझ में आएगा। सबसे पहले हम इसका प्रेजेंटेशन देखते हैं, प्रेजेंटेशन में देखेंगे, प्रेजेंटेशन में डू या डज का यूज होगा सबसे पहले। फर्स्टली सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, और क्वेश्चन वर्ड मैंने आपको बताया
कि जब यस और नो में आ रहा हो आंसर तो हम लोग इस तरह से फॉर्मेशन बनाएंगे इसका, डू या डज का यूज़ करेंगे, आफ्टर दैट सब्जेक्ट का यूज़ होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा इफ़ ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट देयर। एग्जाम्पल देखिए, डज ही राइट अ लेटर, अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या बना दिया हम लोगों ने, हेल्पिंग वर्ब डज। अब अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो यहाँ आंसर हमारा होगा यस ही राइट अ लेटर, तो जब यस में आंसर आ रहा है, या नो ही डज नॉट राइट अ लेटर, तो आंसर तो इसकी स्टार्टिंग यस या नो में हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे वो हमारा क्वेश्चन वर्ड बनेगा हेल्पिंग वर्ब से। अनदर एग्जाम्पल देखिए, डू दे प्ले क्रिकेट, अब अपने मन में ही सोचिए कि अगर इसका आंसर मैं दूंगा तो कैसे दे सकता हूँ, डू दे प्ले क्रिकेट, यस दे प्ले क्रिकेट, नो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो आंसर यस या नो में आया। तो इसी वजह से इसका हम लोग फर्स्ट टाइम में जो बोला वो हम लोग हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन वर्ड को स्टार्ट करेंगे। अब सेकेंड टाइप देखेंगे, सेकेंड टाइप क्या होता है, व्हाइल आस्किंग क्वेश्चन इफ यू गेट द आंसर अदर देन यस और नो, अगर हम लोग क्वेश्चन पूछते टाइम अगर हमको पता चलता है कि इसका आंसर यस या नो में आने वाला है, देन इन द क्वेश्चन सेंटेंस, क्वेश्चनिंग सेंटेंस, डब्ल्यू एच और एच वर्ड विल बी यूज्ड एज क्वेश्चन वर्ड, तो जब आंसर यस या नो में नहीं आने वाला है तो फिर हम उस क्वेश्चनिंग सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं करेंगे, तब हम उसको स्टार्ट करेंगे अपने जो क्वेश्चन वर्ड्स मेन जिनको हम मानते हैं डब्ल्यू एच वर्ड्स या एच वर्ड्स। कौन कौन से हैं, एग्जांपल देखिए, हु, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, ये सारे हमारे क्वेश्चनिंग वर्ड हैं जो कि डब्ल्यू एच वर्ड्स कहे जाते हैं। तो यहाँ पर जब हमारा आंसर यस या नो में नहीं आने वाला है तो फिर हम लोग इस तरह से क्वेश्चन वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, प्रेजेंटेशन पहले देखेंगे, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड का यूज़ होगा, आफ्टर दैट डू या डज का यूज़ होगा, प्लस सब्जेक्ट का यूज़ होगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्वेश्चनिंग सेंटेंस देखा था तो उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर रहे थे, इसमें कोई खास चेंज नहीं है, सेम सेंटेंस का फॉर्मेशन वही है, ओनली करना क्या हमको डब्ल्यू एच वर्ड को सबसे पहले लगा देना है हेल्पिंग वर्ब से पहले। आप ध्यान दीजिए, देखिए हम लोगों ने लास्ट में देखा था तो डू और डज से स्टार्ट हो रहा था और बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन यही था, यहाँ पर सिर्फ हमने क्या किया है डब्ल्यू एच वर्ड को स्टार्टिंग में लगा दिया। एग्जाम्पल देखिए, वॉट डज ही राइट, अब यहाँ पर हम लोग आंसर बनाएंगे तो क्या यह यस या नो में आंसर आ सकता है, नहीं, यहाँ पर आंसर आएगा ही राइट्स अ बुक या ही राइट्स अ स्टोरी या ही राइट्स अ प्ले। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, वेयर डू दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, तो यहाँ पर भी यस या नो में आंसर नहीं आएगा, तो यहाँ पर हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड से अपने क्वेश्चनिंग सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आपका प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का फॉर्मेशन फिनिश होता है। Now we will come to present continuous tense. Present continuous tense को हम लोग देखेंगे। आप लोग जानते हैं कि present continuous tense क्या होता है? Present continuous tense होता है, in these types of sentences, the work or verb is shown in progress. That is why it is also called progressive tense. अब यहाँ पर क्या है, कोई भी वर्क हो, कोई भी वर्ब हो, तो उसको हम लोग प्रोग्रेस में दिखाते हैं, उसको कॉन्टिन्यूटी में दिखाते हैं, मतलब कि वो वर्क चल रहा है। तो जहाँ पर इस तरह का सेंटेंस होता है तो हम लोग उसको किस में बोलते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बोलते हैं। द वर्क इज शोन टू बी कंटिन्यूड एट द प्रेजेंट टाइम, मतलब वर्क जो है प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यूड दिखाया जाता है कि वर्क चल रहा है। और हिंदी में जब हम लोग समझेंगे इसको, द सेंटेंस विच आर कंप्लीटेड बाई द वर्ड सच एज रहा है, रही है, रहे हैं, जब हम हिंदी में बनाएंगे इन सेंटेंस को या बोल कर देखेंगे तो रहा है, रही है या रहे हैं से ये सेंटेंस फिनिश होते हैं। अब इसमें और क्या चेंज होता है, इसमें एक चेंज ये भी होता है कि जैसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर डू और डज का यूज़ कर रहे थे इनडेफिनिट में, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो जाती हैं, यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज़ किया जाता है नाउन्स के साथ। ओके, अब किसका यूज़ कहाँ करेंगे ये भी देखते हैं। इज का यूज़ होता है ही, शी, इट या किसी भी नेम के साथ, अब बेसिकली देखेंगे तो सिंगुलर नाउन के साथ। ओके, तो ही, शी, इट या किसी एक नेम के साथ इसका इज का यूज होता है। ओके, देन एम का यूज होता है ओनली द सब्जेक्ट आई के साथ, आई के साथ केवल एम का यूज होता है, एम का यूज और कहीं भी नहीं होता है, केवल आई के साथ होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आर का यूज जो मोस्टली
प्लूरल नाउन्स होते हैं उनके साथ होता है, और इसके साथ साथ एक यू जो है जो कि सिंगुलर बोल सकते हैं उसके साथ भी आर का यूज होता है। वी दे यू इनके साथ क्या होता है, आर का यूज होता है। अब इसमें एक नई चीज इंट्रोड्यूस होती है, आईएनजी। आईएनजी का यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज भी करते हैं। अब हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव का प्रेजेंटेशन कैसे होता है। सबसे पहले अफर्मेटिव का प्रेजेंटेशन देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, जो इज एम आर जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनका यूज होगा। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आई एन जी का यूज करेंगे, एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज राइटिंग अ या ही इज राइटिंग अ लेटर। सेकेंड, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। वह लेटर लिख रहा है। ओके, समझ में आ गया, रहा है, वर्क इज ऑन कॉन्टिन्यूटी। सेकेंड, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का प्रेजेंटेशन कैसे होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सेम उसी तरह होगा, सिर्फ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स और आईएनजी का चेंज आता है। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, आफ्टर दैट इज एम आर आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं, देन आफ्टर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, आफ्टर दैट आईएनजी का यूज करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ आया कॉन्टिन्यूअस टेंस। ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, वह लेटर नहीं लिख रहा है आया कॉन्टिन्यूअस, प्रोग्रेस में है, तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया इन द निगेटिव फॉर्म। नाउ कम्स इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में वो बात ध्यान रखिएगा जो हमने पहले सोची थी कि क्वेश्चन वर्ड दो तरह से बन सकते हैं, जब आंसर आपका यस या नो में आएगा तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चनिंग सेंटेंस को, और अगर यस या नो में आंसर नहीं आता है तो फिर हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड के साथ स्टार्ट करेंगे और उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देंगे। तो उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे प्रेजेंटेशन क्या है। सबसे पहला टाइप वन का प्रेजेंटेशन देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज होगा, आफ्टर दैट सब्जेक्ट आएगा, देन आफ्टर वर्ब का यूज करेंगे आई एन जी के साथ, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होगा। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र लिख रहा है। ओके, यस ही इज राइटिंग अ लेटर, आया यस में आंसर। आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं। यस दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यहां पर भी यस से आया। तो इससे समझ में आ गया हम लोगों को कि हेल्पिंग वर्ब से किस तरह से स्टार्ट करेंगे। अब जो सेकेंड टाइप हमारा था, अगर हमको आंसर यस या नो में नहीं मिल रहा है तो हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो प्रेजेंटेशन उसका कैसे होगा, डब्ल्यू एच वर्ड से, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, देन आफ्टर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का यूज करेंगे, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। यहां पर मैं आपको एग्जाम्पल देना भूल गया हूं, बट मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। ऊपर वाले एग्जाम्पल से ही देखेंगे, जैसे उन्होंने आर दे लिखा हुआ था तो यहां पर हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड यूज कर सकते हैं। वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं। वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर यस या नो से तो आंसर आएगा नहीं, आंसर आएगा दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन अ ग्राउंड। अब जो सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हैं, वाई इज ही राइटिंग अ लेटर। अब वाई इज से स्टार्ट हुआ है हम लोगों का, आंसर दे के देखेंगे तो यस या नो में नहीं आएगा। ही इज राइटिंग अ लेटर बिकॉज ही इज मिसिंग हिज फैमिली, इस तरह से आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड से हम लोगों के क्वेश्चनिंग वर्ड स्टार्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो है प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इनडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हमारा फिनिश हो गया है। अब इसके बाद मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको नेक्स्ट टर्न में बताऊँगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे हेल्दी, थैंक यू।